ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जल्दी आए हैं। ये हावड़ा स्टेशन पे है हम लोग। तो हमारे साथ में है दीदी है और दीदी के लड़के हैं, सब लोग जा रहे हैं। बस खाली स्टेशन तक जा रहे हैं, इन लोगों को इनवाइट है कहीं तो लोग साथ में जा रहे हैं, हमको छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो साथ में हम लोग तीन जन हैं। दीदी है, दीदी के दोनों बाबू हैं और हम लोग सात जन जा रहे हैं। ये देखिए हावड़ा का स्टेशन, हावड़ा मतलब पुल, कैसा लग रहा है? बहुत बड़ा है ना? जमाइया ले रहे, नींद लग रहा है। और अभी ये ब्लॉगिंग कर रही है स्नेहा, ये बैठा है अभय साथ में है। तो हम लोग बस से उतर गए हैं, सियालदह स्टेशन पे जाना है। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं स्टेशन पे। स्टेशन पर आने के बाद एक्चुअली क्या है ना कि ये ट्रेन यहीं से खुल रहा है, इसलिए पहले से लगा हुआ है ये ट्रेन, तो हम लोगों को खोजना ही नहीं पड़ा। कन्फर्म है कि इस नंबर पे आने वाला है प्लेटफॉर्म पे, और हमको यहाँ पे ट्रेन मिल जाएगी। तो हम लोग पहले ही हाथ हम के ट्रेन बैठ गए हैं और खुलने वाला है। अभी टाइम है कितना, 1 घंटा है ना श्रीदी? हाँ। 1 घंटा क्या होगा, और बहुत ज़्यादा गर्मी है तो अब एसी भी चालू हो जाएगा और मस्ती करेंगे। तो फाइनली टाइम ख़त्म हुआ, 1 घंटा वेट करते करते। तो अब हो गया है खाने का टाइम, खाने का यानी हो गया है 4 बज रहा है। कारण है कि हम लोग घर से निकले हैं 9 बजे नहीं, इसलिए दीदी कितना बजे, 10 बजे निकले थे। हाँ, क्योंकि उसी समय खाए थे, अब भूख लग गया है। अभी बज रहा है 4 बज रहा है शाम का, तो सोचे कि थोड़ा सा खा ले। तो दीदी देखिए क्या दी है खाने में हम लोगों को, फ्राइड राइस है और छोला है, काबली चना और आलू। तो फ्राइड राइस बच्चों को बहुत फेवरेट है, पिछला बार गए थे ना तीज पे, क्या दी थी, चाउमीन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज नहीं दे पाए क्योंकि कारण था कि शादी में उन लोगों को भी जाना था और हमारे साथ ही वो लोग भी आए थे, इसलिए नहीं दे पाए। तो ये फ्राइड राइस बच्चों को बहुत पसंद है, इसलिए फ्राइड राइस मिला है। ऑर्डर देकर बनवाई है स्नेहा श्रीदी ने, है ना? और अच्छा भी लगता है, सब्जियाँ नहीं खाती है, लोग बहुत कम खाती है, इसलिए मैं इसको आलू और मटर दे रहे हैं, आलू और काबली चना, क्योंकि मसाले तो वो पसंद नहीं है इन लोगों को। कैसा लग रहा है श्रीदी? अच्छा लग रहा है, बहुत यम्मी है ना? तो ये दोनों को दे दी और मैं बाबू को खिला दूँ, उसके बाद मैं खा लूँगी। देखिए लाइक दिखा रहा है, हीरो को आए, अच्छा लग रहा है। तो अभी हम लोग ट्रेन में बैठे हैं और ये वाला सीट ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, है ना श्रीदी? ये वाला है क्या, आर ए सी बोलते हैं। तो अब खाना हो गया है, अभी है शाम का टाइम पे हम लोग खिड़की के पास बैठ के नज़ारा देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो ये है केला का खेती हुआ है, ये देखिए केला कितना सारा है और छोटे छोटे पौधे हैं और इतना सारा फल पक रहा हुआ है, बहुत सारा फल पक रहा है। और ये देखिए अभी हमारे दूसरे स्टेशन पर गए तो ये लोग फौजी हैं दोनों, तो ये भाई साहब आ गए हैं, तो थोड़ा सा बातचीत हुआ, परिचय हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो सपोर्टर में तो कोई है, अब डर नहीं है, लेडीज़ है ना, लेडीज़ होकर के बच्चों को लेकर जाने में ना बहुत डर लगता है, तो थोड़ा सा मतलब ये हिम्मत आ जाता है कि अच्छे लोग रहते हैं ना पास में बैठने वाले, तो अच्छा लगता है। तो इन लोगों को भी कुछ बिहार में ही उतरना है, तो हमारे साथ रहेंगे एंड तक। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो सपोर्ट में अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छे थे, मतलब बच्चे लोग को हंसाते थे, खिला रहे थे, है ना, खेल रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए सूरज भगवान को अब डूबने वाले हैं, शाम का टाइम है, लुक छुप कर रहे हैं। और ये देखिए आलू का खेती है, अब बैठे बैठे बोर हो रहा है तो कुछ तो खाने को चाहिए ना, तो खा रहे हैं बिस्किट। आप बिस्किट नहीं, हाँ बिस्किट ही मोटा वाला। हाँ। और यहाँ से अभी स्टेशन आने वाला है। ये देखिए शाम का टाइम कितना अच्छा लग रहा है ना नज़ारा, ये गेहूँ का भी है। और अभी आ गई है स्नेहा, यहाँ भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और श्रीदी सो रही है, अभी श्रीदी और आर्यन का चल रहा है फ्रेंडशिप, क्योंकि आर्यन को किसी से बनता नहीं है, उसके साथ सबके साथ लड़ाइयाँ होती हैं, दोनों दीदी के साथ, तो कब किसके साथ आ जाए। ये अभी आ गए हैं टीटी आए और हमारा चेक किए, और चेक करने के बाद चले गए। तो अभी बज गए हैं रात को 9 बज गए हैं, खाने का टाइम हो गया है। तो श्रीदी और बाबू का फ्रेंडशिप चल रहा है, तो ये दोनों का राय है, अब स्नेहा को छाट दिया है लोग। ये 2 घंटे के बाद पक्का स्नेहा श्रीदी को छाटेगा और स्नेहा को लेगा, इन लोगों का इसका यही है। तभी हम लोग 9 बजे का टाइम है, खाना खा रहे हैं, सब लोग खाना खा लिए, खाना खाने के बाद सो गए। अब सुबह हो गया तो हम लोग कुछ बिहार पहुँच गए हैं, अब स्टेशन पर हैं, हमारे हस्बैंड जी आ गए हैं बुलाने के लिए। ये देखिए भीड़, कुछ
बिहार का स्टेशन है ये, तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। ये देखिए हमारे सामने जो चल रहे हैं वो हस्बैंड जी है हमारे, तो ये भी आ गए। और ये देखिए पीछे जो है वो भी थे, क्या बोलते हैं, फौजी थे, तो बोले थे ना एंड तक रहेंगे, तो वो भी साथ में थे और लाइक बोल रहे थे बहुत अच्छा है, ब्लॉगिंग करो, वो भी अच्छा सपोर्ट किए थे। और हम लोग अब बस में बैठ गए हैं, अपने घर आ गए हैं। तो मेरा कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक लेटर टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।